सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एंड पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच पुणे में हीरो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का आज का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आज की अगर बात करें 22 अक्टूबर 2023, जी हाँ दोस्तों, आज कौन कौन सी टीम भिड़ेगी तो चले मैं आप सबों को बता दूँ। जमशेदपुर की टीम पुनः एक बार जीत के आसमें उतरेगी, क्योंकि पिछला मुकाबले की बात करें काफ़ी अच्छा रहा, शानदार जीत के साथ पुनः आज होम मैचेस खेलने के लिए तैयार है जमशेदपुर की टीम। जी हाँ दोस्तों, वही उनके अगेंस्ट की टीम कौन होगी और कितना बजट से आज का मुकाबला प्रारंभ होगा मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर बात करें जमशेदपुर की टीम पुनः एक बार होम मैचेस खेलेगी, जी अपने होम ग्राउंड पर JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर पर। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल पिछले मुकाबले की बात करें काफ़ी अच्छा रहा है और पिछले मुकाबले में जीत भी दर्ज की अपने होम मैचेस में, जी हाँ JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। फिलहाल पुनः उतरेगी जीत की आस में जमशेदपुर FC की टीम, लेकिन उनके अगेंस्ट की टीम काफ़ी बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, उनको हराना काफ़ी मुश्किल होगा। फिलहाल इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, 22 अक्टूबर 2023 जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और राउंड क्लास पंजाब FC के बीच होगा मुकाबला। जी हाँ, 22 अक्टूबर यानी कि आज JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग का मैच खेला जाएगा। मुकाबले के लिए राउंड क्लास पंजाब की टीम शुक्रवार को शहर पहुँचेगी। शुक्रवार यानी कि आज की डेट की बात करें रविवार है, जी हाँ दोस्तों। और जहाँ तक बात करें शुक्रवार यानी कि दोस्तों पहुँच चुकी है पंजाब FC की टीम, जी हाँ शुक्रवार को शहर पहुँच चुकी है पंजाब की टीम और टाटा फुटबॉल एकेडमी ग्राउंड में अभ्यास कर रही है पंजाब FC की टीम। और वही बात करें दोस्तों पॉइंट्स टेबल का, जमशेदपुर FC की टीम 12 टीमों के अंक तालिका में 8वें स्थान पर है, जिसका 3 मैच में 4 अंक अर्जित है, जी हाँ जमशेदपुर का। फिलहाल अगर बात करें उनके अगेंस्ट टीम पंजाब FC का, वही पंजाब FC की टीम 3 मैच में 1 अंक अर्जित करते हुए 10वें स्थान पर है। वहीं अगर पॉइंट्स टेबल की तुलना की बात करें, बहुत ही अच्छे लाइन में दिख रहा है जमशेदपुर FC की टीम पंजाब के मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब का 1 पॉइंट से, वहीं बात करें जमशेदपुर का 4 पॉइंट से, 3 पॉइंट्स का अंतराल। जी हाँ, फिलहाल पलड़ा भारी नज़र आता हुआ जमशेदपुर FC की पक्ष की ओर। जी हाँ, अब देखना होगा क्या पलटवार करती है पंजाब FC की टीम। जी हाँ, घायल सर बहुत ही खतरनाक होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी हाँ, तो चलिए पंजाब FC की टीम जो है क्या जमशेदपुर FC की टीम को हरा पाएगी आज का मुकाबला में, या फिर जमशेदपुर पुनः एक बार जिस प्रकार खेली है पिछले मुकाबले में जीत दर्ज की है, क्या इस बार जीत दर्ज करने में कामयाब होगी, पंजाब FC को हरा पाएगी? काफ़ी रोमांच भरा मुकाबला को दोस्तों। जी हाँ, 22 अक्टूबर 2023 समय सारणी की बात करें 8 बजे से खेल खेला जाएगा जमशेदपुर बनाम पंजाब FC के बीच। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी घमासान मुकाबला। और जहाँ तक क्राउड की बात करें, बहुत ही भीड़ भर होने वाला है। जी हाँ, JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में टिकट बहुत ही तेज़ी से इस बार जो है बिक्री हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जमशेदपुर में दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा, आप लोग भी जानते हैं दुर्गा पूजा जमशेदपुर में काफ़ी अच्छी तरह से मनाया जाता है, और उसी हिसाब से दोस्तों काफ़ी दर्शक हो सकते हैं इस बार JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। जी हाँ, काफ़ी अच्छा खेल होने वाला है, जमशेदपुर को पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार जमशेदपुर क्या इस बार जीत पाएगी, बहुत ही अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा इस बार JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी भी है जमशेदपुर FC टीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ इस मैच में JFC टीम प्रबंधन अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी ऋत्विक दास को मैदान में उतार सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऋत्विक दास एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पर जमशेदपुर FC की ओर से खेलते हैं। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मैच पर जमशेदपुर टीम प्रबंधन अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी ऋत्विक दास को मैदान में उतार सकती है। ऋत्विक दास की इंजरी में काफ़ी सुधार हुआ है, वहीं मैच के लिए टिकटों की बिक्री भी जारी है, जारी था मैं आप सबको बता दूँ, जारी समाप्त हो चुका है, क्योंकि आज मैच है 22 अक्टूबर 2023 8 बजे से। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बात करें दोस्तों, अभी तक 8000 से अधिक टिकट बेचे जा चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल मैं आप सबको बता दूं, पिछले मैच में लगभग 22000 दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। मैं आप सबको बता दूं, अभी तक अगर बात करें 20000 तक टिकट बिक चुका है, 8000 नहीं दोस्तों क्षमा चाहेंगे, 20000 तक टिकट बिक चुका है, और मेरे ख्याल से काफ़ी और भी हो सकते हैं, क्योंकि कल का
मैं नोटिफिकेशन देखा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक बात करें 20,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं और पिछले मैच में लगभग 22,000 दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। इस बार जो है काफ़ी अनुमान लगाया जा रहा है कि 22,000 से भी ज़्यादा दर्शक शायद हो सकते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है। निश्चित तौर पर जमशेदपुर में काफ़ी अच्छे तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए काफ़ी क्राउड होने वाला है JRK टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। फिलहाल इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण स्टेडियम हाउसफुल होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जमशेदपुर FC बनाम पंजाब FC के बीच आज एक घमासान मुकाबला में आप सबों का अभिनंदन स्वागत है JRK टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रात का 8 बजे में। जी हाँ दोस्तों, रात का 8 बजे में एक बेहतरीन मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।